नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर 2024 की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का शुभारंभ किया और हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार की इस पहल को CBRI रुड़की, NITTTR चंडीगढ़ और NIT हमीरपुर की तकनीकी विशेषज्ञता का सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाल रक्षा भारत और एक अन्य कंपनी के सहयोग से जिला सोलन की ग्राम पंचायत बवासनी में रेजिलियंटल मॉडल विलेज विकसित करने के लिए दी बिल्डिंग लाइव नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे को बनाने का रास्ता साफ। NDB ने दी अग्रिम टेंडर की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 1734.40 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे को बनाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 1734 करोड़ की लागत से बनने वाले शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को अग्रिम टेंडर लगाने की इजाजत दी। इससे अब शिमला रोपवे के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी। जोर का झटका धीरे से, प्रमोशन के बाद अध्यापकों को मिलेगा सिर्फ पद, नहीं उठा सकेंगे वित्तीय लाभ। राज्य सरकार मुख्य अध्यापक व प्रवक्ता को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार भी नियमित पदोन्नति नहीं होगी। प्रधानाचार्य का पदनाम तो मिल जाएगा लेकिन वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक इस तर्ज पर पदोन्नतियां हुई हैं। सरकार इन पदोन्नतियों को नियमित करने की तैयारी में थी लेकिन प्रक्रिया काफी लंबी है। हिमाचल की जनता को केंद्र से बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अगले महीने से दालें महंगी दरों पर मिलेंगी। राज्य सरकार डिपो 3 दालें देती है जिसमें से दाल चना महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत राज्यों को दाल चना सस्ती दरों पर दिया और करीब 8 महीने से ये योजना चल रही थी, मगर अब केंद्र सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया। ऐसे में अब दालों के मूल्यों पर असर पड़ेगा और दाल चना जो यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 38 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था वो महंगा हो जाएगा। इसके साथ APL को दाल चना 48 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है जिसके दाम भी बढ़ जाएंगे। 30 दिन में ज्वाइन करनी होगी ड्यूटी। आबकारी और कराधान विभाग में नियुक्ति पाने वाले सभी 45 कर्मचारियों को आगामी 30 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इस अवधि के दौरान उन्हें अपना मेडिकल फिटनेस समेत शपथ पत्र विभाग कार्यालय में जमा करवाने होंगे। आबकारी विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस ने कहा कि तय समय में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को नौकरी का अवसर मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को इससे जुड़े आदेश दे दिए हैं। आबकारी और कराधान विभाग में नियमित रूप से 20 कर्मचारियों को नियुक्ति मिली है। विकास के लिए विक्रमादित्य ने की गडकरी की तारीफ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि गडकरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने इससे संबंधित पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली। इसमें उन्होंने लिखा कि वो नितिन गडकरी के आभारी हैं जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मनाली के प्रीणी में अटल को याद कर भावुक हुए राज्यपाल शिव प्रताप। जिला कुल्लू के 4 दिवसीय दौरे के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप सोमवार को मनाली पहुंचे। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रीणी स्थित आवास पर भी गए। परिसर में उन्होंने कुछ समय बिताया और अटल के साथ बिताए पलों और स्मृतियों को याद कर भावुक हो गए। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी साथ रहीं। अटल को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल और हिमाचल वासियों से उन्हें बहुत स्नेह था। वो इसे अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने यहाँ के शांत वातावरण में अनेक कविताएं लिखी हैं। प्रो कबड्डी में हिमाचल के 5 रेफरी शामिल, जानिए कौन कौन। हिमाचल प्रदेश के खेल जगत के लिए ये गर्व की बात है कि प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा सीजन में हिमाचल प्रदेश के 5 रेफरी अमर वर्मा, अत्तर सिंगटा, प्रतिभा युगेश कटारिया व राजीव कटारिया शामिल हुए। प्रतिभा को प्रो कबड्डी में प्रदेश की पहली महिला रेफरी के रूप में चुने जाने का गौरव हासिल हुआ।
ये उनके समर्पण और कठिन परिश्रम का नतीजा है कि उन्होंने इस मकाम तक पहुंचकर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। पंजाब की कृषि मंडियों में हिमाचल के धान खरीद पर रोक, अब नालागढ़ व मलपुर में ही होगी बिक्री। हिमाचल के किसानों का धान पंजाब की मंडियों में लेना बंद कर दिया है। पिछले 2 साल से यहां के किसान चोरी छिपे पंजाब किसानों की जमीन के फर्द के नाम पर धान बेच देते थे। इस बार पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों का धान नहीं लिया जा रहा। इस बार हिमाचल में नालागढ़ व मलपुर में खुले खरीद केंद्रों में ही सारा धान बिकेगा। बीबीएन में इस बार 3,750 हेक्टेयर जमीन पर धान लगाया गया। यहां पर करीब 18,000 मीट्रिक टन धान होने की उम्मीद है। 4 साल पहले भी पंजाब ने हिमाचल के किसानों का धान गेहूं लेना बंद कर दिया था। प्री मैट्रिक और पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए अब 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन की समय अवधि को बढ़ा दिया है। इसके तहत प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स और पीएम यशस्वी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र 15 अक्टूबर तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के 12.37 लाख हड़पने के आरोप में पोस्टमास्टर बर्खास्त, डाक विभाग चंबा ने की कार्रवाई। उपभोक्ताओं के आरडी और बचत खाते के पैसे हड़पने के आरोप में दरेकड़ी के पोस्टमास्टर को बर्खास्त कर दिया गया। इससे पहले विभाग ने पोस्टमास्टर को लोगों के 12.37 लाख रुपए हड़पने पर निलंबित कर दिया था। अब जांच पूरी होने के बाद पोस्टमास्टर पर लगे सारे आरोप सही निकलने पर डाक विभाग चंबा ने अपने स्तर पर उसे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि विभाग ने पोस्टमास्टर पर केस भी कर दिया था और पुलिस को ये मामला सौंपा गया था। दरअसल दरेकड़ी के आरोपी पोस्टमास्टर पर बुजुर्गों सहित अन्य लोगों के 12.37 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा था। हिमाचल के लाल का कमाल, इंडिया ए में वैभव अरोड़ा का हुआ चयन। आईपीएल 2024 में केकेआर के लिए किया था शानदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले हिमाचल के खिलाड़ी वैभव अरोड़ा का चयन इंडिया ए टीम के लिए हुआ है। इंडिया ए की टीम एसीसी पुरुष की 20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 खेलने उतरेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 से 27 अक्टूबर 2024 तक मस्कट ओमान में खेले जाने वाली आगामी एसीसी पुरुष की T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा की। ये जानकारी एचपीसीए सचिव अवनीश परमार ने दी। 22 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू, टेम्परेरी ऑपरेटर और अप्रेंटिसशिप से भरे जाएंगे 100 पद। जिला रोजगार कार्यालय बालू चंबा में 22 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में निजी कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड कालाम जिला सिरमौर के द्वारा टेम्परेरी ऑपरेटर और अप्रेंटिसशिप के 100 पद भरे जाएंगे, जिसमें मासिक वेतन 14,000 से 19,500 रुपए रखा गया है। अजौली गांव में भीषण हादसा, टोल नाके के कैबिन में घुसी बेकाबू कार, 2 कर्मचारियों की मौत, 1 पीजीआई रेफर। नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अजौली गांव में लगे टोल नाके पर सोमवार दोपहर कार की टक्कर से 2 टोल कर्मियों की मौत हो गई। एक टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।